हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्टिकल आरबी में। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। मेरे को कुछ टेस्ट करवाने हैं अपने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट क्यों करवा रही है, सब कुछ ठीक है। वो सब कुछ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी, मैं टेस्ट क्यों करवा रही हूँ और कैसे मेरी तबीयत है, वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और जो मेरे ब्लॉग इतने लेट लेट आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी कि उसका कारण क्या है, किस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और आएंगे, आगे आएंगे, बट थोड़े से लेट लेट आएंगे। और आप लोगों को, मतलब आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो हम लोग थोड़ा सा, जहाँ पर मेरे को टेस्ट करवाने हैं वो थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी निकल गए हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। और अभी हम लोग, मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो है दिल्ली का मौसम। दिल्ली का मौसम बहुत ही बेटर हो गया है पहले से। पहले जो गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और इस बार तो गर्मी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया दिल्ली में। बट जो आप 2-3 दिन से मौसम है वो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दिल्ली का मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज भी बारिश बताई हुई थी, पर पता नहीं कब तक होगी। तो ये देखिए, और आपके वहाँ पर, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, वहाँ पर गर्मी के क्या हाल है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल तो दिल्ली के जो अभी तक का हाल था वो तो बहुत ही बेकार था, बट अब बहुत ही अच्छा हो गया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सफदरजंग इनक्लेव में, देखते हैं कि खुला है कि नहीं। चलिए, 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, 8:51 हो गए हैं, अभी नहीं खुला है। तो हम लोग तब तक ऐसे टहल लेते हैं जब तक आते हैं, क्योंकि 9 बजे का टाइम होता है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, और जैसे आते हैं अपना टेस्ट करा के आपको हम फिर रिपोर्ट बताते हैं आपको कि क्यों हमने टेस्ट करवाए हैं। तो गाइस, हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं। हॉस्पिटल की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इधर उधर जाना पड़ रहा था इसकी वजह से, और दिमाग से भी निकल गया कि वीडियो भी बनानी है। तो मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आई हुई है, सब कुछ सही है। अब वो किस चीज़ की रिपोर्ट थी और किस चीज़ का, मतलब क्या करवाने हम लोग गए थे, किस चीज़ का टेस्ट करवाने गए थे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक्चुअल में ये है कि आप लोगों के सामने अब, मतलब आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अभी तक हम 2 आते थे, अब तीसरा नन्ना सा मेहमान भी हमारे बीच में आएगा, वो भी ब्लॉगिंग करेगा, आप लोगों से ढेर सारी बातें करेगा अपनी भाषा में। तो बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द आप लोगों से मिलेगा। तो जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे और कुछ 1-2 टेस्ट थे वो करवाने गए थे। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, सब कुछ सही है। और जो मेरे टेस्ट वगैरह हैं वो भी सब कुछ नॉर्मल आए हैं, सब कुछ सही है, भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मेरे को अभी 6 मंथ कम्प्लीट होकर 7th मंथ चल रहा है। अभी तक मेरे जो ब्लॉग लेट लेट इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ऊपर नीचे, कभी उल्टी हो जाती है, कभी किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, और कभी कोई तो लक्की होता है जिसको कुछ नहीं होता, बस खाता रहता है। तो मेरे को ये हुआ था कि 5 महीने तक तो मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी, इसलिए मैं मतलब कि वीडियो नहीं बना पा रही थी। वीडियो तभी बना पा रही थी कि जब कभी इधर उधर जाना हो रहा था तब। और अभी भी ऐसा ही है कि मेरे को अभी भी, जैसे छौंके छूका करते हैं हम लोग, छौंका मारते हैं, तो उसकी बहुत ही तेज स्मेल जाती है, और इसलिए मैं ना कुछ खाना बना पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। तो अभी भी मेरे को ये दिक्कत हो रही है, बाकी तो सब कुछ सही है माता रानी की कृपा से। पर ये है कि इसकी वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, और साथ साथ में कहीं, जैसे हम लोग घूमने भी नहीं जा सकते, रिस्क नहीं ले सकते, कभी कभार कभी निकलना होता है तो ठीक है, वरना घर पर रहते हैं, और घर पर फिर आपको पता ही है कि इस बीच में मतलब जो प्रेग्नेंट होती है उसके मूड
स्विचिंग होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सोचती हूँ, कभी तो खुश रहती हूँ कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगी, पर अचानक से क्या हो जाता है कि वो भी फुस हो जाता है। तो इसलिए आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे और इस लोग को भी अपना ढेर सारा प्यार दे, और आने वाला जो हमारा बेबी है उससे भी हम आपको बहुत जल्दी मिलाएंगे। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ और इसी के साथ वीडियो को करते हैं बंद, और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वीडियो शायद लेट आए क्योंकि अभी हम लोग नहीं चाहते कि अभी मतलब कि पता चले, जब हम लोग चाहते हैं कि जब बेबी आ जाए तब जाके हम लोग सबको बताएं। पर ये वीडियो जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, या मन करा तो अभी भी डाल सकते हैं और मन नहीं करा तो बाद में डालेंगे, मतलब ऐसे ही है, डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको डेली के ब्लॉग नजर आएंगे दोबारा से। पहाड़ी गर्ल एक नई जोश के साथ आपके साथ आएगी, आप लोगों से मिलेगी डेली, और बीच बीच में मेरे मिनी ब्लॉग्स आते रहेंगे अब। तो मिनी ब्लॉग्स को भी ढेर सारा प्यार दे। तो इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।